नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज उस राज्य में जो अपनी खासियतों के चलते दुनिया भर में मशहूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी सीमा से सटे राज्य गुजरात की। डॉक्टर श्रीमती कमला इन दिनों गुजरात की राज्यपाल हैं। देश की तमाम महिला राजनेताओं में वो सबसे वरिष्ठ हैं। जिंदगी के कैनवास में उन्होंने अनेक रंग भरे हैं और इनमें से एक एक रंग में हजार रंग नजर आते हैं, लेकिन उनका सफर शुरू होता है रंगीले राजस्थान से। ये वो जमाना था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आजादी की जंग जोरों पर थी, लेकिन राजस्थान के लोग राजे रजवाड़ों के जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे थे। शेखावाटी इलाके में नेत्र राम सिंह ने इसकी बागडोर संभाली थी। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। काल कोठरी में उन्हें हथकड़ी बेड़ी डालकर रखा गया और यातनाएं दी गईं। इन्हीं नेत्रराम सिंह के घर 12 जनवरी 1927 को बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया कमला। लेकिन नेत्रराम की अपने पिता यानी कमला के दादाजी से कभी नहीं बनी, क्योंकि वो जागीरदार थे और बेटे के बगावती तेवर उन्हें पसंद नहीं थे। इस वजह से उन्होंने बेटे को घर से निकाल दिया था। इस तरह कमला का बचपन मुश्किलों में लेकिन देशभक्ति के संस्कारों के साथ बीता। उन दिनों लड़कियों को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। कमला के पिता ने समाज के विरोध के बाद भी बेटी को पढ़ाया लिखाया। प्राइमरी पढ़ाई के बाद वनस्थली भेजा गया, जहां उन्होंने अपने कोर्स के अलावा घुड़सवारी और तैराकी भी सीखी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने कमला ने अपनी सखियों के साथ कुएं में कूदकर तैराकी का नमूना पेश किया। इसके बाद उनका नाम कैप्टन हो गया। जयपुर के महाराजा कॉलेज से एमए किया और स्कूल में शिक्षक हो गईं। अरसे तक पढ़ाया। इसी बीच महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से कांग्रेस ने उन्हें 1954 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया। कमला जीती और उनकी राजनीतिक पारी शुरू हो गई। पचास साल तक डॉक्टर कमला ने राज्य में उपमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। चार साल पहले उन्हें गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। राजभवन में अपने दिन की शुरुआत वो नियमित रूप से गांधी को प्रणाम करने के साथ करती हैं। हरियाली से भरपूर गांधीनगर के राजभवन में राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में डॉक्टर श्रीमती कमला ने अपने सफर को साझा किया। ऐसा था, ये राजे महाराजे और सामंत लोग जो थे वो अपने ढंग से जो शासन चलाते थे, और वो आम आदमी को तो कोई जो ना डिग्निफाइड मानते ही नहीं थे। वो तो अपने आप को ही सब कुछ मानते थे, और उनसे तो एक तरह से मजदूरों का सा काम लेने का होता है, वो लेते थे। तो खेती बाड़ी, जमीन जायदाद सभी तो उन्हीं के नाम होती थी। एक तरह से
गुलामी का सा हिसाब था। लेकिन ऐसे गुलामी जैसे माहौल में आज भी वैसे बात कही जाती है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमें अभियान चलाना पड़ता है, लेकिन आपने उस समय कैसे पढ़ाई लिखाई, तालीम कैसे हासिल की? अभियान क्या, जो तो चला ही नहीं सकते थे। पिताजी ने जब मुझे पढ़ने भेजा, गांव का जो धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में बिरला ट्रस्ट की तरफ से एक मास्टर जी पढ़ाने आते थे, तो वहाँ जो ना वो गायें और चारा और वो भी रहता था, और आए गए यात्री भी रहते थे, और वहीं पर दो तीन कमरों के अंदर पढ़ाई भी होती थी। तो उसमें जो है ना भर्ती कराया, जब सारे परिवार वालों ने, गांव वालों ने, अरे कितना नालायक आदमी है, लड़की को पढ़ाता है, तो बहुत जो ना विरोध किया। पिताजी ने कुछ नहीं सुना, पिताजी तो जो है ना आर्य समाजी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, तो बस सोच लिया कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे कितना ही विरोध करो। तो उन्होंने तीसरी क्लास तक तो मुझे धर्मशाला में पढ़ाया, उसके बाद वनस्थली विद्यापीठ में भेज दिया, जो हीरा लाल जी शास्त्री ने शुरू की थी। तो वो भी जो है ना स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वहाँ वनस्थली विद्यापीठ भी गांव ही था, वहाँ पर जो है ना गांव के अंदर ही जो है ना कच्चे मकानात में, कच्ची झोंपड़ियों में जो है ना स्कूल और वो छात्रावास वो चलते थे, तो उसी में हम पढ़ते थे, उसी में खेलते कूदते थे। तो पढ़ाई खूब अच्छी थी, लेकिन जो है ना रहते थे कच्चे मकानों में। आपने एम ए किया, और एम ए करने के बाद आप सार्वजनिक जीवन में जाएंगी या राजनीति को अपना सेवा का अवसर बनाएंगी? नहीं, उसके बाद में मैं जो है ना टीचर बन गई थी। अच्छा, जयपुर में। अच्छा, तो टीचर बनते वक्त में जो है ना पढ़ाई करा रही थी, तो टीचर का काम करते करते बीच में एक आमिर ए सीट खाली हुई, तो उसमें फिर जो है ना कुंभराम जी चौधरी ने और शायद सुखाड़िया जी थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर जी, तो उन्होंने जो है ना मुझे टिकट दे दिया और मैं जीत के आ गई। अरे हाँ, और डिप्टी मिनिस्टर बन गई। तो आपने पहला चुनाव जीत लिया। जी हाँ। और मंत्री भी आप बन गई। मंत्री भी बन गए। तो उस समय तो देश आज़ादी हुआ था। हाँ। और 4-5 साल ही हुए होंगे, तो उस समय तो राजस्थान में बहुत काम करने को रहा होगा। बहुत काम था, सारा ही तो खुला पड़ा था, चाहे शिक्षा ले लो, चाहे स्वास्थ्य ले लो, चाहे एग्रीकल्चर ले लो, चाहे वित्त विभाग ले लो, सारे विभाग नए सिरे से ही तो चल रहे थे। तो कैसे कैसे फिर आगे बढ़ा? ये केवल केवल राजस्थान की बात तो थी नहीं, ये तो पूरे देश की बात थी। कि ये तो सारे रियासतों के अंदर जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनी, और मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, बाकायदा जो है ना दफ्तर लगे, बाकायदा पॉलिसीज तय हुई, बाकायदा कार्यक्रम बने, गांव में खेती में क्या करना है, शिक्षा में क्या करना है, उद्योगों में क्या करना है, ये सब पॉलिसीज निर्धारित हुई, और उसके बाद में जो है ना सारा कार्यक्रम चला, तो उससे तरक्की हुई। अच्छा, राजनीति में आपने लंबा सफ़र तय किया, और राजस्थान जहाँ से आपने शुरू किया था, और आप अभी 2003 तक जबकि वहाँ उप मुख्यमंत्री थी, तो अब कैसा लगता है कि आपने 50 साल में काफ़ी काम किया? बहुत काम किया, लगभग सारे महकमे डील विद किए, खूब दौरा किया, खूब काम किया, एग्रीकल्चर आया तो सर्वे किया, इरीगेशन आया तो जगह जगह डैम बनाए, और एजुकेशन आया तो स्कूल खोले, दवाखाने खोले, मतलब जो भी महकमा आया उसको स्ट्रीमलाइन करके रख दिया, और उसमें जितनी डेवलपमेंट वर्क्स हो सकते थे वो सारे भी खूब करते थे। काम करने में खूब आनंद आता था, खूब दौरे करती थी और खूब काम करती थी और खूब प्रोजेक्ट्स बनाते थे। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप किसी राज्य की राज्यपाल भी होंगी? नहीं, ये तो नहीं सोचा था, तो अचानक ही बनाया। आपके शौक क्या हैं जब कभी, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने घुड़सवारी भी की है, स्विमिंग भी बहुत की है। खूब किया, जयपुर में जहाँ पढ़ते थे वनस्थली में,
वहाँ कुएं होते थे, थोड़े ऊंचे होते थे, पानी भी खूब होता था। वहाँ ऊपर चाक चलता है ना जहाँ, वहाँ खड़े होकर के नीचे कूद के स्विमिंग करते थे कुएं में। हाँ, कुएं में। तो उसमें सीढ़ियाँ थी, फिर को सीढ़ियों से ऊपर आ जाते थे। तो एक बार पंडित जी आए थे, नेहरू जी, तो उनको भी हमने दिखाया था। वो बनस्थली विद्यापीठ के जो ना जलसे में आए थे, तो उनको निकाल दिखाया। जब बाहर निकले तो बोले, लड़कियों तुमको डर नहीं लगता ऐसे ऊपर से कूदते हो? मैंने कहा, डर लगता तो कैसे करते हो, डर और कुछ नहीं लगता, मजा आता है। और घुड़सवारी का क्या, कैसे शौक हुआ? हम घुड़सवारी करते करते गांव में चले जाते थे, गुड़ धनिया, गुड़ और जो है ना वो क्या भोंगड़े, वो थैले में डाल करके और गांव में जाते थे घोड़े पर चढ़ के। तो गुड़ भोंगड़े खाते रहते थे और गांव में रुक गए, वहाँ पानी राबड़ी वगैरह पिया, फिर अगले गांव में चले गए। दवाई भी ले जाते थे जो ना आयुर्वेद की, वो गांव वालों के कोई बीमारी होती तो उनको दवाई भी दे देते थे। इस समय क्या शौक आपका है, कुछ संगीत या कहानियाँ या कुछ किताबें, क्या फुर्सत में क्या करती हैं? पेंटिंग करती थी। अच्छा, आपने पेंटिंग की है? पेंटिंग अभी भी करती हैं? बॉम्बे का जो है ना पेंटिंग का कोर्स है ना, वो किया मैंने। ओ, तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। एक आध कोई विदेशी आए थे देखने वनस्थली, वो ले भी गए थे। तो क्या उनके पेंटिंग के सब्जेक्ट क्या होते थे आपके? भाई गांव के जो है ना दृश्य होता था, महिलाएं जो है ना पानी लेके जा रही हैं और कुएं में खींच रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह का। गुजरात की गोद में कभी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक महापुरुषों का बचपन बीता है। दुनिया की अनेक संस्कृतियों के गवाह रहे गुजरात की पहचान पोशाक, परंपरा और परिश्रम से है। डॉक्टर श्रीमती कमला भले ही इस राज्य की पड़ोसी राज्य में रही हों, लेकिन उनकी यादों का सफर शुरू होता है उस जमाने से जब देश में सहकारी आंदोलन की धूम थी। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है और गुजरात इस दौर का शानदार गवाह है। सेंट्रल गुजरात का लोथल हो या सौराष्ट्र में समंदर किनारे बसी द्वारिका, कच्छ के रण में धौलावीरा के सबूतों ने गुजरात को दुनिया के पुरातात्विक नक्शे में खास जगह दिलाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिया, तो अलग अलग खंडों में बटे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल भी गुजरात से ही थे। आजादी के बाद मई 1960 में इस राज्य ने भारत के नक्शे में आकार लिया। इससे पहले यह मुंबई राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कपास, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मिर्च और ईसबगोल इस राज्य की प्रमुख फसलें हैं। सदियों से गुजरात के बंदरगाह विदेशी कारोबार के बड़े केंद्र रहे हैं। राज्य में कारोबारी मानसिकता कामयाबी का खास कारण है। प्रदेश में इन दिनों बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों और आधुनिक उद्योगों ने बड़ी तादाद में पेशेवरों की फसल तैयार की है। इस राज्य के पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों ने देश विदेश के सैलानियों का ध्यान खींचा है। गिर के जंगलों में आराम से सैर करते सिंहों का कुनबा भी नजर आता है। गुजरात की लोक कलाएं, लोक नृत्य, रंगारंग संस्कृति और तीज त्योहार इसे अन्य राज्यों से अलग करते हैं।
झिलड़ झिलवा जाता के घर पे घुमवा जाता। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है जो राज्य बनने के बाद बसाया गया। चंडीगढ़ की तरह ये शहर नियोजित है और खूबसूरत नजारा पेश करता है। 5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 26 और राज्यसभा के लिए 11 सांसद इस प्रदेश से चुने जाते हैं। डॉक्टर श्रीमती कमला 4 साल से गुजरात की राज्यपाल हैं। गुजरात के सरोकारों और चुनौतियों से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में उन्होंने इन सरोकारों के बारे में बताया। अच्छा लगा कि ऐसी जगह आने का मौका मिला जहां पर गांधी जी का, सरदार पटेल का और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ है। यहाँ आने के बाद आपने दौरे किए होंगे गुजरात के तमाम, सौराष्ट्र में, कच्छ में या जो भी अन्य इलाके हैं वहाँ गई होंगी। जब आप वहाँ जाती हैं तो क्या लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर काम करना बाकी है, क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट तो कभी पूरा होता ही नहीं जी। चाहे मोस्ट डेवलप्ड कोई कंट्री या कोई एरिया होगा जी, तो भी उसमें डेवलपमेंट की तो गुंजाइश बनी रहती है जी। इसलिए यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं सामाजिक स्तर पे या और किसी स्तर पे जिन पे अभी और काम करना चाहिए? पढ़ाई लिखाई या महिलाओं की स्थिति है? पढ़ाई लिखाई है, एम्प्लॉयमेंट है और लोगों के हाउसिंग की प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन का जो है ना बहुत ज़रूरी है अभी और भी फैला होना, और औद्योगिक क्षेत्र में लोगों के एम्प्लॉयमेंट का जो है ना काम वो भी काफ़ी बाकी है। तो ये तो प्रोग्रेस कर रहा है, तो सारी चीज़ें एक साथ तो पूरी होती नहीं है। गुजरात के लोगों के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो देश में ही नहीं विदेशों में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ गुजरात के लोग ना गए हों और वहाँ उन्होंने अपने कारोबार से अपनी पहचान ना बनाई हो। जब आप गुजरात के राज्यपाल के तौर पर ऐसे लोगों से मिलती हैं या समझती हैं तो कैसा लगता है, क्या कारण है जो गुजरात के लोगों ने इतनी बाहर पहचान बनाई है? इनका अपना जो है ना इनबिल्ट करैक्टरिस्टिक है कि बाहर जा कर के अपना जो है ना कारोबार अच्छा जचा लेते हैं, अच्छा प्रॉस्पर होता है तो और पर फैमिलीज भी चली जाती हैं। विधानसभाओं में बहस अच्छी होती थी, लोग पढ़ के जाते थे और विधानसभाओं में काम के घंटे, बिजनेस जो है काफ़ी होता था। अब धीरे धीरे देखने में ये आया है कि यहाँ वो काम के घंटे कम हो रहे हैं, उस तरह की क्वालिटी ऑफ डिबेट्स जो होती हैं वो नहीं हो रही हैं। आपका अनुभव क्या है यहाँ के बारे में? क्वालिटी ऑफ डिबेट में इतना ही फर्क है कि एक बिंदु के ऊपर कोई जो है ना बहस चलती है तो उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह जो होती है वो उतनी वजनदार नहीं होती जितनी होनी चाहिए। लेकिन ये तो मैंने जैसे कहा कि तो पूरे देश में, यहाँ तक कि संसद की भी समस्या है, लोकसभा और राज्यसभा में भी हम लोग देखते हैं कि जो अब जो प्रश्न होते हैं या जिस तरह से बहस होती है उसके स्तर में गिरावट आई है, क्यों हुआ है ऐसे? अब ये तो जो है ना समय की गति है कि जो है ना आज जो लोग बैठे हैं उनका कितना रुचि किस चीज़ में है और किस तरह की बहस में है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पहले जो तो लोग जो थे उनको रुचि किसी दूसरी तरह की थी, अभी जो लोग हैं उनकी दूसरी तरह की रुचि है। तो क्वेश्चन करना है या कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना है या कोई और जो है ना मांग रखनी है तो वो सब जो है ना मेंबर्स के ऊपर निर्भर करता है कि उनको कौन से जो है ना मुद्दे महत्वपूर्ण लगते हैं, कौन से मुद्दे कम महत्व के लगते हैं,
आपने लंबा अरसा सहकारिता में बिताया है और सहकारिता के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है। गुजरात में भी कुछ प्रयोग बड़े कामयाब रहे हैं और सहकारी स्तर पर यहाँ पर सहकारी संस्थाएं काफ़ी मजबूती के साथ, जो उनकी नींव 25 बरस पहले या 30 बरस पहले या पड़ी है, वो आज परिणाम दे रही हैं। तो अमूल वगैरह जी, तो उनका कभी आपने देखा है उनका जो कैसे है, या इसको और देश में विस्तार की ज़रूरत है और राज्यों को ऐसे अमल करना चाहिए इस पर? वो तो ज़रूरत है ही। अभी भी बहुत सारे एवेन्यू जैसे हैं जो जहाँ पर कारोबार को जोड़ने की ज़रूरत है, जहाँ लोगों को जो है ना मौका मिले तो वो कर सकते हैं। लेकिन एक तो गाइडेंस की कमी है, एक फाइनेंशियल की कमी है, एक प्रोजेक्ट्स बना के जो है ना कोई देवे उसकी कमी है। तो ये जो है ना कोई करने वाले हों तो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाया जा सकता है। यूं तो डॉक्टर श्रीमती कमला की पहचान अपने राजनीतिक मूल्यों के लिए है, लेकिन महिलाओं की बेहतरी और सहकारिता में उनका काम हमेशा याद किया जाएगा। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में उन्होंने एक बार फिर देश में सहकारिता आंदोलन की मजबूती पर जोर दिया। डॉक्टर श्रीमती कमला के 50 साल के संसदीय सफरनामे में अनुभव के अनेक अनमोल अध्याय हैं। एक तरफ किसानों की समस्याओं को उन्होंने लगातार उठाया और राजस्थान में खेती के लिए बनी चुनौतियों का मुकाबला किया, तो दूसरी ओर एक रेगिस्तानी राज्य में गंभीर जल संकट हल करने के लिए काम किया। इंदिरा नहर ने रेत के सहरा में गंगा बहाई है, लेकिन उन्हें जिसके लिए जाना जाएगा वो सहकारिता के क्षेत्र में किए गए काम हैं। 50 साल तक प्रदेश, देश और विदेश में सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए वो सक्रिय रही हैं। मलेशिया, फ्रांस और उस दौर के सोवियत संघ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहकारी गतिविधियों के विस्तार के लिए उनके सुझावों पर अमल किया गया है। राज्यसभा टेलीविजन के साथ बातचीत में डॉक्टर श्रीमती कमला ने अपने अनुभव बांटे। ऐसा सहकारिता आंदोलन में जो ना सहकारी संघ था जी राजस्थान में, तो सहकारी संघ की स्थापना के वक्त में हम लोग एक्टिव थे जी। तो पहले तो मैं मेंबर रही, उसके बाद में मैं चेयरमैन हुई और खूब शिक्षण का काम करते सहकारी संघ जी। सहकारी संघ जो था वो शिक्षण प्रशिक्षण का काम करते थे, तो वो जो है ना जितने भी संस्थाएं थी सहकारिता की उनके ऑफिस बेयरर्स को ट्रेनिंग देना, उनको तैयार करना, तो स्कूल भी खोला हुआ था, ट्रेनिंग स्कूल जो है ना सहकारिता का, तो वो जो है ना उसके जो है ना काम करते थे। अच्छा, उस ज़माने में सहकारिता आंदोलन तो समूचा ही गांव, छोटे गांव, गांव और कस्बों के लिए ज़्यादा अनुकूल था, तो क्या उस समय लोग समझते थे कि सहकारी आंदोलन का मतलब क्या है? समझते थे कि भाई मिलजुल करके काम करो, जिससे जो व्यापारी लोग हैं वो आपको जो है ना शोषण नहीं कर सके, इतना बात सब जानते थे। तो जब आपने शुरुआत की, सहकारी समितियां बनाई और उनके ज़रिए लोगों की भलाई हुई है, उनको लोगों को काम मिला, रोज़गार मिला, तो कैसा लगा आपको, एक एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, कि जब वो संस्थाएँ अच्छा काम करती हैं तो लगता है कि एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है, कि इनको जो है ना जिन शोषक वर्ग के सामने जा कर के अपनी चीज़ें देनी पड़ती थी, उसका कोई भाव भी नहीं मिलता था, तो अब ये अपने आप जो है ना अपना कर रहे हैं। लेकिन जो भारत में सहकारिता का जो स्वरूप है और जो अर्थ है, क्या विदेशों में जहाँ जहाँ भी आप गई हैं और आपने वहाँ एक सहकारी तरीके से होने वाले कामकाज को देखा है, उसमें और भारत में होने वाले सहकारी कामकाज में कोई बुनियादी अंतर है? नहीं, बुनियादी तो कुछ नहीं हो, तो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन जो है ना वो तो सारा एक जैसा ही होता है। बाकी जो है ना काम करने वाले पर निर्भर है, उसका जो मैनेजमेंट है वो कितना चुस्त दुरुस्त है, कितना मोबाइल है, कितना इन्फ्लुएंशियल है मेंबर्स के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर है, बाकी उसका जो है ना मैनेजमेंट तो एक ही जैसा है। एक और बुराई हमारे समाज में या पूरे देश के सिस्टम में पिछले 40-50 सालों में आ गई है,
और हर आदमी उससे परेशान नज़र आता है। राजनेता भी परेशान हैं, अधिकारी भी परेशान हैं, आम नागरिक भी परेशान हैं, और वो है करप्शन की, भ्रष्टाचार की। ये कैसी बीमारी है और इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए? आप सब लोगों के ज़माने में तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, उस समय कम थी या बहुत कम रही होंगी तो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बीमारी जो है लाइलाज हो गई है। अब ये तो जो है ना मेंटल एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि कोई को जो है ना करप्शन से ही संतोष होता है जी, और कोई कमाई के खातिर जो है ना कितना ही करप्शन कर ले हो तो उसको लगता है मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। तो करप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप सोच समझ करके और दृढ़ता के साथ में ना करें तो जो है ना ख़त्म है, लेकिन आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाओ तो फिर जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ता है। जो पुराने राजनेता थे वो अपने आदर्शों, अपने मूल्यों और अपने उसूलों के लिए राजनीति करते थे, राजनीति उनके लिए एक सेवा का भाव था, उसूलों के माध्यम से राजनीति करते थे। आज वो चीज़ कहीं ना कहीं कम हो गई है। नहीं ऐसा है, ख़त्म तो नहीं हुई है, कम भी नहीं हुई है, लेकिन उसकी जो है ना नई पीढ़ी समझ नहीं पा रही है कि किस तरह से जो है ना बिहेव किए हैं, किस तरह से वर्क करें, किस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइज करें, तो वो जो है ना बहुत बड़ी कमी है। नए राजनेताओं के लिए और या राजनीति में जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश आप कहना चाहेंगे, कुछ बात आप कैसे काम करें उनके लिए कुछ? ऐसा साहब संदेश यह है कि डेमोक्रेसी है हमारी, हम लोग जो है ना एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो डेमोक्रेटिक नेशन में आम आदमी का सबका रोल है, और सबका रोल है इसलिए सबको सब चीज़ जाननी भी चाहिए, सब चीज़ के साथ में निष्ठा के साथ में जुड़ना भी चाहिए, उसको जो है ना अंजाम भी देना चाहिए, तब जा कर के बात बने। नीचे से लेकर के ऊपर तक सारा जो है ना ढांचा जो है इस तरह से चले कि जो है ना सब एक दूसरे के परफॉर्मेंस को जो है ना मदद करें, एक दूसरे की परफॉर्मेंस में मददगार होके उसको निष्ठा से निभाएं, तभी जाके पार पड़ेगी। तो ये थी गुजरात की राज्यपाल डॉक्टर श्रीमती कमला से राज्यसभा टेलीविजन की बातचीत। अगले एपिसोड में फिर चलेंगे किसी नए राज्य में और मिलेंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।